उमेश प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम मोडाला अंटा फिल्ड पे आए हुए हैं। आने का मकसद ये कि यहाँ एक बच्चे की डेथ हो गई जिसका नाम था फरदीन, रील्स बनाता था, यूट्यूबर था, काफ़ी फॉलोअर्स थे उसके और काफ़ी फेमस बच्चा था, और उसका जो एक्सीडेंट हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ हम जानना चाहेंगे उनके दोस्त की ज़बानी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शेख ज़ैब है। हाँ ज़ैब, आप क्या कहना चाहेंगे जो एक्सीडेंट हुआ बच्चे का, फरदीन का, क्या कहेंगे? जी एक्सीडेंट जो हुआ सो हुआ, एकदम अचानक हुआ, विद इन सेकेंड्स हुआ। क्या कहना चाहेंगे हम तो उसको बचाना ही चाहिए, वही कहना चाहिए, बट कैसा जो है विद इन सेकेंड्स हुआ ऑल ओवर। जो भी गलती थी वो ट्रैक्टर वाले की थी, लेफ्ट से चल रहा था वो क्योंकि छोटी गाड़ी थी, उसको मालूम था हाईवे रात का टाइम है, बीच में चलना सही नहीं है, वहाँ दिखता नहीं है, वो लेफ्ट से चल रहा था जहाँ पे डांबर का रोड है और ये तरफ पूरा खाड़ी, ठीक है। तो ऐसा सुनाई में आया वहाँ पे जिन लोगों ने देखा, सबसे पहले स्पॉट पे पहुँचने वाला लड़का मैं हूँ, उसको उठाने वाला लड़का मैं हूँ, उसको गोद में लेके हॉस्पिटल तक छोड़ने वाला लड़का मैं हूँ, तो जो भी है मुझे ऑल ओवर सब पता है। तो सबने, जितने भी जन थे वहाँ, सबने यही क्लेरिफाई किया कि ट्रैक्टर वाली की गलती थी, उसने लेफ्ट से गाड़ी को धक्का दिया और वो गाड़ी पे था, उसने हेलमेट पहना हुआ था, उसको लेफ्ट का कुछ दिख रहा नहीं था, ठीक है। तो जो पीछे का लड़का था वो गिरने के बाद 2 मीटर्स डिस्टेंस पे हो गया। तो टोटल दो जन थे टोटल, पीछे जो था वो भी इंजर्ड है, वो घर पे है, उसके भी पैर में मार वार लगी हुई है जी। और फरदीन जो था वो बाइक के साथ ही था। तो कौन सी बाइक थी? एक्टिवा 5G थी और प्रॉपर वो लोग सिक्योरली चल रहे थे, विथ हेलमेट, विथ मिरर, सब थिंग प्रॉपरली था वो लोगों का। तो अब एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक्टर वाले ने अपनी गाड़ी लगाया, लेफ्ट से उतर के जंगल में जम मारा एंड वो गुल हो गया, तो वो भाग गया, ठीक है। तो हम तो ट्रैक्टर वाले को छोड़ दिया, हम ना वो फोकस किए ना कुछ किए। वहाँ पुलिस कम से कम 45 मिनट तक खड़ी थी, कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई, प्राइवेट गाड़ीज रुक के बोल रही है हम लोग छोड़ देंगे, बट पुलिस ने बॉडी को हाथ लगाने दिया ही नहीं, उसको उठाने दिया ही नहीं, एटलीस्ट उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देते या उसके कोई माँ बाप को कन्फर्मेशन दे देते, कॉल कर लेते, दोनों के सेल थे, पीछे वाला लड़का जिंदा था, या उससे पूछ के इन्फॉर्म कर देते। नहीं, देवर लाइक चील गाय खड़े थे अच्छे से, हाँ कोई हाथ लगा, एम्बुलेंस आ रहा है, इतनी ट्रैफिक है, ट्रैफिक क्लियर कर ना, एम्बुलेंस बुला रहा है, पहले ट्रैफिक क्लियर कर, पीछे से एम्बुलेंस आएगी, हमारी प्राइवेट गाड़ी है, हम लोग को लेके जाने दे। नहीं, फिर मैंने मेरे डैड को कॉल किया, मेरे डैड से बात कराया, तो क्या मालूम क्या प्रोसीजर बताए, आफ्टर डेथ का प्रोसीजर हमको तो नहीं पता, वो बड़े लोगों को पता है, तो उनने बताया प्रोसीजर, तो वो बोला ठीक है लेके जाओ। तो पीछे ही हम लोग के फ्रेंड की गाड़ी थी, हमने गाड़ी में डाला और हम लोग ने उनको ये तक भी रिक्वेस्ट किया कि हम लोग हमारे यहाँ हॉस्पिटल में लेके जाते, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड डेथ थे, ओके। तो हम लोग उनको लेके जाते हमारे हॉस्पिटल में, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती, पोस्टमार्टम वगैरह से बच जाते, या हम लोगों का जो भी था हम कर लेते, बट वो लोगों ने ना लेके जाने दिया, हमारी वीडियोस बना रहे, कार की फ़ोटोज़ ले रहे, जो उठा रहे उसकी फ़ोटोज़, और थक थक करके एकदम चील गाय की तरह हमचा मागे है ऐसा, मींस मेरे पीछे चल। हाँ। आगे एक डब्बा, पीछे एक डब्बा, आराम से चल रहे, सैर करने निकले वैसा चल रहे। आधा घंटा लगा बाईपास से हॉस्पिटल, शिवाजी हॉस्पिटल पहुंचने में आधा घंटा, ऐसा नॉर्मल डेज में जाओगे हार्डली 15 मिनट्स लगेगा आपको, आधा घंटा लगा। अब वो लोग का क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, वो लोग को क्या करना था वो लोग ही जाने, बट हम लोग का ध्यान पूरा यहाँ था, ठीक है, पूरा हुआ सब हुआ। आपने बच्चे को जो देखा था फरदीन को, तो हाँ। क्या उसकी कंडीशन थी, क्या उसकी सांसें चल रही थी? नहीं, मेरे को पहुँचने वहाँ हार्डली लगा 17 मिनट, जब मेरे को कन्फर्मेशन आई कि तू भाग, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे को लगा 17 मिनट, उसका एक्सीडेंट होके नहीं भी बोल के आधा घंटा ऊपर हो गया था, और उसको ऐसा कवर अप करके रोड पे रखा था। हम लोग पहुँचे, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, हम लोगों ने उसको साइड में लिया, उसके ब्लड पे मिट्टी वगैरह डाले, उसके कपड़े वपड़े से जो भी हम लोग ने किया, फिर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लेके जाने दो, लेके जाने दो, पुलिस ने ले जाने नहीं, एम्बुलेंस आ रहा है। अब एम्बुलेंस की ना आवाज़ आ रही थी ना, वो लोग ट्रैफिक क्लियर कर रहे थे। कौन से पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ? पुलिस स्टेशन का खारगांव, उधर ही, और हाईवे बाईपास के इधर ही, मुमरा बाईपास से इधर। कोई और ऑफिसर से आपकी बात नहीं हुई? मैं तो वहाँ ठहरा बच्चा, जो भी ऑफिसर से बात हुई, हमारे घर के बड़े आए, भाई लोग आए, तो वो लोगों ने बात किया ऑफिसर से, वो लोगों ने यही डिक्लेयर किया कि हम लोग सुबह 10:30 बजे PM करेंगे, उसके बाद ही आपको बॉडी मिलेगी, यही डिक्लेयर हुआ। मुमरा जाने का क्या मकसद था? मकसद ये था कि जस्ट नाउ एक हफ्ते पहले मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे, तो हम लोगों ने प्लान किया था कि केक कट करेंगे। अभी यही सिर्फ सब चीज़ टिकटॉक वगैरह जैसे बना, मैं भी ये भी ये, हम लोग दोनों ही पूरे एरिया में हम लोग दोनों ही ये सब चीज़ करते थे साथ में। तो मेरा फ्रेंड है वो,
तो मेरे को उसको बुलाना कंपलसरी था, तो मैंने उसको बोल दिया था। बट ऐसा था कि नेक्स्ट सैटरडे मेरा एक्सीडेंट हुआ कार से। अच्छा। उसको लगा हम लोग कार से जाएंगे, बट उसको मालूम नहीं था कि कार का एक्सीडेंट हो चुका है। तो मैंने उसको बोला फरदीन हम लोग भी बाइक से जा रहे, कार तो है नहीं। तो उसके पास बाइक नहीं थी, तो वो पहले बोल दिया कि मैं देखता हूँ नहीं आऊँगा। फिर मैं वहाँ पहुँच गया तो उसका मेरे को कॉल आया, मैं रास्ते में हुआ, मैं निकल गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। बोला ठीक है आ जा। हम लोग वहाँ पहुँचे थे, गेम्स वगैरह खेल रहे थे, तो मैंने हंसते हंसते उसके दोस्त का फ़ोन उठाया कि कहाँ पहुँचा क्या। तो उसने मेरे को कन्फर्मेशन दिया कि ऐसा ऐसा है, भाग, फरदीन का एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी भाग। तो हम लोग वहाँ से खुद की प्राइवेट फोर व्हीलर लेके निकले, जो दूसरे लोग भी आए थे वो लोगों की, कि हम लोगों को वहाँ गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि उसको लेके जाने दो। हम लोग के पहुँचने के बाद भी 20 मिनट्स हम लोगों वहीं खड़ा किए वो लोगों ने। तो ड्राइवर क्या हाथ में आया अभी तक पुलिस के? ड्राइवर को मालूम है मेरी गलती है, मैंने कुचल दिया हूँ। उसने लगाया गाड़ी, उसने लेफ्ट का दरवाज़ा खोला, चावी भी वहीं छोड़ के गया गाड़ी। अरेस्ट किया है ड्राइवर को पुलिस ने? ड्राइवर अरेस्टेड है जी। हाँ, सब उसकी गाड़ी भी जो है वो भी अरेस्टेड है। अब क्या आपका रहेगा उस ड्राइवर के खिलाफ? वो तो आप लोगों को तो आज की पुलिस मालूम है। हम लोगों को ड्राइवर के खिलाफ जो है, मेरा तो कुछ मेरा मन करे तो मैं मर्डर कर दूँ। कहाँ का था ड्राइवर, महाराष्ट्र का था या बाहर से आया था? वो सब मुझे नहीं, मौका का था, यहाँ का ही था। कौन सी एजेंसी थी जो ट्रक चला रहा था? लॉजिस्टिक JM। एक्यूरेट नाम दे दो कौन सी, वही बता। प्रॉपर। क्या आपने बताया गाड़ी का नाम? दी जेड फैक्टर, लॉजिस्टिक कंपनी की है जी। हाँ, वो क्या था, ट्रक था कि क्या था वो? वो ट्रेलर था बहुत बड़ा, उसके ऊपर कंटेनर लोडेड था। अब कंटेनर में कितना प्रेशर था, कितना माल था, वो तो मालूम नहीं। और तो फिर प्रेशर की वजह से टायर पे भी लोड पड़ता है। अच्छा, ये भी हमें पता चला है कि उसकी गलत वीडियो बना के, किसी और की औरत की फ़ोटो लगा के, माँ को बता के यूट्यूब पे चलाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? तो मैं तो यही कहूँगा, जो लगा रहे वो लोग भी अनजान है, तो वो लोग को कैसा जो बताएगा वो लोग वो समझ लेंगे। तो जो लोगों को नहीं मालूम है, ये इनके बड़े भाई है जी, ये इनके सबसे बड़े भाई है, एक उनका छोटा भाई है, दो बड़ी बहन है, उसकी एक और छोटी बहन है, और उसकी मम्मी है, उसके पापा है। वो आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं आप लोगों को रिव्यू करा देता हूँ, ओरिजिनल मम्मी पापा से। आपको अगर चाहिए तो मैं रिव्यू करा देता हूँ, यही है सब चाहिए आपको तो मैं, ये इनके बड़े भाई है। देखिए, हमारे साथ उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, जो उनके दोस्त ने बताया कि यही उनके वालिद हैं। अल्लाह इनको जो है सब्र दे, उनके बेटे के साथ हादसा हुआ है। और पीछे भी काफ़ी लोग जो यहाँ पे उनके साथ में रहने वाले हैं, तो उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? जीशान सैयद। फरदीन का कैसा व्यवहार था आप लोगों के साथ? था भाई, सबसे अच्छा था। घर से हंसता हुआ चेहरा चले गया उसके जाने के बाद। बस यही बोलूँगा कि घर वालों को सब्र दे और उसके गुनाहों को माफ़ करें। आप क्या कहेंगे भाई? भाई जैसा था मेरा एकदम। किस तरीके का बच्चा, हंसता खेलता जो बच्चा चला गया आज आप लोगों के बीच से, आप लोगों को बहुत दुख है इस चीज़ का, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरे को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मतलब बहुत सडनली हो गया वो। इनसे तो कहा नहीं जा रहा, क्योंकि दुख एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह किसी को ना दे। और हम अभी भाई कुछ और कहना चाहते, क्या कहेंगे भाई आप? तो मैं ये कहूँगा कि वो जो था अच्छा था, जो भी वीडियोस बनाता था वो वीडियोस देखने अच्छा लग रहा है। आप लोग अगर टैग भी कर रहे हो उसको, मेंशंस भी कर रहे हो, तो उसकी लाइव वीडियो पे करो, जो वो बनाया करता था, उसके एक्सीडेंट फ़ोटोज़ और गलत थिंग्स, जो भी गंदी चीज़ें हैं या रॉन्ग मैसेजेस जो लोगों को दिया जा रहा है कि पेरेंट्स ये है, वो दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे, वो अल्कोहल पिए थे, तो ये सब मैसेजेस फेक है। जो है रियल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट पॉट पे पहुँचने वाला मैं था, DNA रिपोर्ट्स वगैरह सब क्लियर आई है। तो ये रॉन्ग मैसेजेस मत दो, वो विथ हेलमेट था और ये इनके पेरेंट्स है। मेरी रिक्वेस्ट नहीं तो कम से कम इनकी रिक्वेस्ट मान लो। या आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? ये फरदीन के भाई हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं बस यही बोलूँगा कि मेरा छोटा भाई तो चला गया, ठीक है, तो बस यही है कि मत करो यार, प्लीज़ मत करो। ये इनके पापा है, आप मत पूछो, बस आप लोग देख लिए, बस मत करो। तो क्या कहेंगे आप? बस यही बोलूँगा कि अपना जो गलत चीज़ है वो मत फैलाओ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो बेहतर होगा कि जब बस उसके लिए दुआ कीजिए सब लोग मिलके, ठीक है। तो छोटी उम्र में गया, तो जितना ज़्यादा दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह उसका इसाले सवाब के लिए, और बाकी और कुछ नहीं। जो गलत चीज़ है, वीडियो है, फ़ोटोज़ है, जो भी एक्सीडेंट की स्पॉट की फ़ोटोज़ है, वो सब शेयर मत करो,
तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। ठीक है, बस आज फर्स्ट टाइम रोया है ये लड़का, ये तो इसकी गवाही मैं देता हूं। ये अपनी दुबई से आया है उसके लिए, मतलब उस तीनों जना इसके बोले मारते हैं। तो आप लोग ने देखा फर्स्ट क्लिप में ये बोल नहीं पाया, फिर भी इसके बड़े भाई ने आके आप लोगों को मैसेज दिया हिम्मत करके। तो प्लीज़ इसकी कदर करके, एक भाई होने के नाते बोल रहा हूँ कि मत करो, प्लीज़ मत करो। तो देखिए, आपके इनका यही कहना है कि कोई भी आप जैसे गलत वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, फेक बना के उनकी गलत वालदा का फ़ोटो लगा के डाल रहे हैं, ऐसा ना करें। ये इन लोगों की खास रिक्वेस्ट है। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।